हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, ऑल फाइन। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक पॉइंट स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल, एंड दिस इज योर यूनिट नंबर 4। सो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, लेट आर एस बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर एस इज द पॉइंट 1,0। एक सर्कल है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो लेट अस ड्रॉ द सर्कल। अब ये कह रहा है आपसे, देयर वेयर एस इज अ पॉइंट 1,0, सो दिस मस्ट बी द पॉइंट एस 1,0। लेट पी बी अ वेरिएबल पॉइंट एंड आर एस इज द डायमीटर ना, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका आर। क्लियर? अब कह रहा है आपसे, लेट पी बी अ वेरिएबल पॉइंट अदर देन आर एंड एस ऑन द सर्कल एंड टेंजेंट्स टू द सर्कल एट एस एंड पी। ओके, तो पी कोई और पॉइंट है, मान लेते हैं पी पॉइंट यहां पर है, और इस पॉइंट पे आपने क्या किया है, टेंजेंट ड्रॉ किया आपने पी पॉइंट पर और एस पर भी ड्रॉ किया है, और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पर, क्यू पर। तो एक काम करो आप, पी पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करी और एस पे टेंजेंट नहीं ड्रॉ की, ठीक है? और ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, मान लो लेट दिस पॉइंट बी क्यू। अब आगे क्या कह रहा है आप, देखो, दी नॉर्मल टू द सर्कल एट पी इंटरसेक्ट द लाइन ड्रॉन थ्रू क्यू पैरेलल टू आर एस। आर एस के पी पे आपने जो नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, नॉर्मल जो होगी वो क्या करेगी, ओरिजिन से पास करेगी पहली बात तो, ठीक है? तो ये कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन 0,0 से, ठीक है? और ये कट कर रहा है इसको कहाँ पर, बोलो, ये कट कर रहा है अपना नॉर्मल टू द सर्कल एट पी इंटरसेक्ट द लाइन ड्रॉन थ्रू क्यू पैरेलल टू आर एस एट पॉइंट ई। अच्छा, क्यू से आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, दिस इज द पैरेलल लाइन विद एक्स एक्सिस, है ना, और ये जो लाइन है ये कट कर रही है इसको ई पर। अब लास्ट में फाइनली क्या कह रहा है ये, देन द लोकस ऑफ ई पासिस थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास करेगा, तो है ना, क्वेश्चन में आपको क्लियर कर दूं, क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे, एक सर्कल है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड देर इज अ पॉइंट पी ऑन द सर्कल एंड वी हैव ड्रॉन अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट पी विच इंटरसेक्ट द टेंजेंट विच इज ड्रॉन एट पॉइंट एस। कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है उसको, क्यू पर। अब आगे कह रहा है आपसे कि यदि पी पर एक आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है, ठीक है, तो इस नॉर्मल पर, इस नॉर्मल को क्यू से एक आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है और वो कहाँ कट कर रही है, ई पर। तो ई का जो लोकस होगा, ई का जो लोकस होगा वो किस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, तो एक काम करते हैं अपन, पहले तो पी पॉइंट को मैं मान लूँ कुछ, तो पी पॉइंट को मान लेते हैं ना, लेट पी पॉइंट क्या, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, याद आ गया, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, मैंने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मान लिए कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। अब एक काम करो, P पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करी है, वो Q पे कट कर रही है किसको, टेंजेंट एट S को। तो एक काम करो आप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लो, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी बताओ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये हो जाएगी मेरे ख्याल से, क्या होती है, R पॉइंट पुट कर दो आप सर्कल की, सर्कल की इक्वेशन क्या अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ओके 1, तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू 1, तो एक्स एक्स वन बोले तो कौन, आर एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहाँ कट कर रहा है इसको, लाइन को, किस लाइन को, x इक्वल टू 1 लाइन है ये, आपको पता है ना, ये तो ये लाइन कहाँ पे ड्रॉ हुई है, टेंजेंट एट s, तो s पे टेंजेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू 1 लाइन रही होगी ये, तो x इक्वल टू 1 को ये टेंजेंट कट कर रही है q पे, तो q के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो बड़े आराम से, बताओ क्या हो जाएंगे, x इक्वल टू 1 रख दूँ मैं यहाँ पर, तो x इक्वल टू 1 रखो तो क्या जाएगा, cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ की y की वैल्यू आ गई 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्लियर। अब अपने को y की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है, अब एक और बताओ मेरे को आप, y की वैल्यू मिल गया और अपने को क्या करना था, q पॉइंट आ चुका है अपने पास, q पॉइंट क्या आ गया है, इसको मैं लिख लूँ, चलो इसको लिख लेते अपन, q पॉइंट आ गया आपके पास 1,1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब एक काम करते हैं अपन, छोटा सा देखो, क्यू पर, क्यू से आपने हॉरिजॉन्टल जो लाइन ड्रॉ की है वो कट कर रही है नॉर्मल को वहाँ पर ई पर, और आपको पता है कि नॉर्मल को कट कर रही है ई पर, तो एक काम करें अपन, अपने को लोकस निकालना है, तो एक मिनट रुको बस, ठीक है, तो अपने को क्या करना है, ई का लोकस निकालना है, तो उसको लेट कर लो ना, लेट ई का जो लोकस है ना उसको मान लो आप एच कॉमा के, ठीक है,
तो एक बात बताओ मेरे को, के का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से? के का वैल्यू क्या आ जाएगा? दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज ड्रॉन थ्रू क्यू, तो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो क्या होगा, जो वाई कोऑर्डिनेट है इसका, जो वाई कोऑर्डिनेट आया था वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। तो क्या रखता हूँ मैं यहाँ से, के इक्वल टू वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब एक बात बताओ मेरे को आप, ये जो इसका स्लोप होगा नॉर्मल का, नॉर्मल का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये कितना होगा बोलो, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। स्लोप टेंजेंट क्या होगा, टेन थीटा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, माइनस कॉट थीटा, क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा, ठीक है। और ये जो स्लोप ऑफ नॉर्मल मैंने आपसे निकालवाया है वो कहाँ से आएगा बोलो, ये क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने क्या माने, एच कोमा के, ठीक है। तो ये जो एच कोमा के है, ये और ओरिजिन, इसका स्लोप कितना आ जाएगा, के वाई एच आ जाएगा, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू के वाई एच ऑल्सो। तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास, यहाँ से आ गया के वाई एच इक्वल्स टू कॉट थीटा, चलो रेखा ले लें तो ऐसे ही है ना, के वाई एच इक्वल टू कॉट थीटा। अब इक्वेशन एच और के में अपने पास कॉट थीटा में रिलेशन मिल गया। अब क्या होता है मेरे को आप, यहाँ पे अपने पास कॉट थीटा में रिलेशन है और यहाँ वन माइनस कॉस थीटा साइन थीटा आ गया, इजीली अपन क्या कर सकते हैं, कॉट थीटा की वैल्यू से यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं कॉस और साइन को, तो अपने क्या मिल जाएगी कि एच और के में इक्वेशन मिल गई, और एच और के में इक्वेशन मिल गई तो अपन ईजिली क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं क्या कि कौन सा पॉइंट अपने को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे चार पॉइंट देख रहे हैं अपने को, एच और के में इक्वेशन मिलेगी, उसको रिप्लेस करोगे आप किससे, एक्स और वाई से, तो अपने को पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। तो अपने पास ए और सी ऑप्शन के सही है। अब आप इक्वेशन निकाल सकते हो आराम से बाय एलिमिनेटिंग कॉस थीटा, है ना, थीटा को एलिमिनेट कर लोगे आप दो इक्वेशन दोनों, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, दी सर्किल सी वन दिस वन विथ सेंटर एट ओ इंटरसेक्ट दी पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू वाई एट द पॉइंट पी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेट द टेंजेंट टू द सर्किल सी वन एट पी टचेज द अदर टू सर्किल सी वन एंड सी टू एंड सी थ्री एट पॉइंट आर टू एंड आर थ्री, ओके ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है ये, सपोज सी टू एंड सी थ्री हैव इक्वल रेडियाई टू रूट थ्री एंड सेंटर्स क्यू टू एंड क्यू थ्री रेस्पेक्टिवली, तो एक काम करें अपन, पहले तो थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं क्वेश्चन को, है ना। तो एक काम करूँ मैं यहाँ बना लूँ, देखो क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है आपसे, पास एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, रूट थ्री, है ना। मैंने एक सर्कल बना लिया जिसका रेडियस है रूट थ्री और सेंटर कहाँ पर है, जीरो जीरो पर। अब आगे कह रहा है आपसे, एक पैराबोला है अपने पास एक्स स्क्वायर बराबर टू वाई, इसको ये इंटरसेक्ट करता है, तो सीधी सी बात है एक्स स्क्वायर बराबर टू वाई को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सकते हो, पहले तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालोगे क्या आएगा पता है, रूट टू कॉमा वन निकाल लेना आराम से, है ना। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, टू वाई, तो टू वाई को आप यहाँ रखोगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस टू वाई इक्वल टू थ्री, क्वाड्रेटिक बनेगी, वाई की वैल्यू एक आएगी पॉजिटिव एक आएगी नेगेटिव, है ना। तो वाई की वैल्यू मैंने वन ले ली, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट कट कर रहा है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कट कर रहा है तो क्या होगा, वाई की वैल्यू वन, नीचे होता फोर्थ क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट तो वाई की वैल्यू अपन नेगेटिव लेते, ठीक है। तो वाई की वैल्यू वन ले ली तो उसके रिगार्डिंग उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या जाएगी, रूट टू, निकाल लोगे आप वाई की वैल्यू वन रख के, एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, प्लस माइनस रूट टू, एंड वी विल टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से रूट टू आ गई। अब एक बात बताओ मेरे को, अच्छा अब आगे क्या कह रहा है, एंड दिस इज द पॉइंट पी, ये पॉइंट क्या है अपना, पी है, ये जो पॉइंट है वो क्या है, पी। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, अभी कह रहा है जो P पर आपने क्या करा है, लेट द टेंजेंट टू द सर्किल एट पॉइंट सी वन, टू द सर्किल सी वन, ठीक है ना, सर्किल सी वन में एट पॉइंट पी, सॉरी एट पॉइंट पी, वो बाकी दो सर्किल को टच करती है ना, सी टू और सी थ्री, और वो पता है कहाँ पर हैं, वो कुछ ऐसे हैं, मान लो ये सर्किल आपने ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ की, तो एक तो सर्किल है ऊपर, है ना, और दूसरा सर्किल हो सकता है यहीं पर हो, यहीं कहीं पर हो, है ना, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ना। तो फिलहाल तो क्या है, एक सर्किल और मैंने मान लिया, वो यहाँ पर मान लिया, ठीक है, ऐसे मान लिया, ठीक है। एक मिनट दोबारा से ड्रॉ कर लें इसको, चलो इसको मैं डाल दूं क्वेश्चन को, ठीक है, चलो इसको मैं कंप्लीट इरेज करके दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, आ जाओ देखो, ये सर्किल हो गया एंड दिस इज द पैराबोला, दिस इज द पॉइंट पी विच हैव कोऑर्डिनेट्स रूट टू कॉमा वन, ठीक है, और पी पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, एंड दिस टेंजेंट टचिंग अदर टू सर्कल्स विच हैव रेडियाई इक्वल टू टू रूट थ्री, एक और सर्किल है अपना वो यहाँ मान लिया मैंने, ठीक है ना, दोनों की सर्किल की रेडियाई इक्वल है टू रूट थ्री, ठीक है ना, दोनों क्या है, इक्वल रेडियाई के सर्किल हैं, ठीक है, टू रूट थ्री।
और ऐसे नहीं कहना कि ये सर्किल बड़ा कैसे हो गया, ठीक है ना, दोनों सर्किल इक्वली डी आई के हैं। और ये सर्किल मैंने मान लिया, इसका सेंटर मान लिया क्यू टू, और इसको सेंटर मान लिया मैंने क्यू थ्री, और टच कहाँ पे कर रहे हैं, आर टू, सॉरी आर टू एंड दिस इज आर थ्री। अब देखो क्वेश्चन करते हैं अपन सॉल्व, एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं दोबारा से। चलो एक क्वेश्चन को रीड कर लें, ठीक है, सर्किल विद सेंटर वो पैराबोला हो गया पी, ठीक है, सी टू आर टू आर थ्री रेस्पेक्टिवली, सपोज सी टू एंड सी थ्री हैव इक्वल रेडियस टू रूट थ्री एंड सेंटर सेट क्यू एंड क्यू टू एंड क्यू थ्री रेस्पेक्टिवली, इफ क्यू टू एंड क्यू थ्री लाई ऑन वाई एक्सिस देन। बिल्कुल करेक्ट है, सब सब कुछ हो गया है ना। अपने से पूछ क्या रहेगा, क्यू टू क्यू थ्री की लेंथ निकालनी है, आर टू आर थ्री की लेंथ निकालनी है, एरिया ऑफ ट्रैंगल ओ आर टू आर थ्री निकालना है, और एरिया ऑफ ट्रैंगल पी क्यू टू ओ थ्री। चलो मैं बता दूंगा बाकी, तो अपन आगे चलते हैं ना। चलो आ जाओ, तो देखो सबसे पहली बात मेरे को क्या निकालना है इसमें, क्यू टू क्यू थ्री, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, सेंटर ऑफ सर्किल निकालने जा रहा हूँ, ठीक है ना, सेंटर ऑफ टू सर्किल्स। तो कैसे निकालेंगे, एक काम करें, क्यू टू में मान लेता हूँ, क्यू टू को मैं मान लेता हूँ क्या बोलो, जीरो कॉमा के, सेंटर ऑफ सर्किल सी टू मान लिया मैंने क्या, क्यू टू जीरो कॉमा के। अब एक बात बताओ मेरे को, आप ये आपने मान लिया जीरो जीरो कॉमा के, अब एक बात देखो आप, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, रेडियस है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट टू द सर्कल। तो एक बात बताओ मेरे को आप, पी पे आपने टेंजेंट ड्रॉ की है किसके, सर्किल के, और सर्किल क्या है मेरा, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू थ्री। तो इस सर्किल की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी हो इस पॉइंट पे, तो क्या करेंगे आप, रूट टू एक्स 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 वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू थ्री आ जाएगा, और यू कैन राइट माइनस थ्री इक्वल टू जीरो ऑल्सो। अब देखो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है परपेंडिकुलर है किसके, क्यू टू से, तो आपको जो डिस्टेंस दे रखा है क्यू टू से आर टू का, वो कितना दे रखा है, रेडियाई, रेडियाई कितना है टू रूट थ्री। तो मैं क्या करूँ आपसे, मैं बोलूँ Q2 R2 की लेंथ कितनी होगी, तो आप कहोगे सर ये आप डिस्टेंस ले लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं निकालूंगा कहाँ से, सेंटर से, जीरो कॉमा के से, तो जीरो प्लस के माइनस थ्री अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, फाइव या थ्री आएगा ना, थ्री कितना आएगा, थ्री, ठीक है। अब ये डिस्टेंस आ गया मेरे पास नीचे, क्या आ गया डिस्टेंस बोलो, रूट थ्री आ गया। अब एक काम करूँ छोटा सा बोलो, ये डिस्टेंस कितना आ गया, टू रूट थ्री, और ये किसके इक्वल है, रेडियाई के, दैट इज टू रूट थ्री, क्लियर। तो कितना आ गया मेरे पास, के माइनस थ्री का मॉड इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट थ्री, तो पॉजिटिव है, तो कितना हो जाएगा, टू थ्री जा सिक्स, तो के की वैल्यू आ गई यहाँ से थ्री प्लस माइनस सिक्स, तो के की वैल्यू दो आ रही है, एक आ रही है नाइन और एक आ रही है माइनस, ऑब्वियसली दो ही आएंगी, एक तो अपर सर्कल है और एक नीचे सर्कल मेरे पास है ना, तो इसका सेंटर कितना होगा नीचे वाले का, जीरो कॉमा माइनस थ्री, और ऊपर वाले का सेंटर क्या हो गया आपका, ऊपर वाले का जो सेंटर वो हो गया आपका क्या, जीरो कॉमा नाइन, क्लियर। अब अपने को डिस्टेंस कौन, अब देखो सारा काम कर लोगे आराम से आप, कैसे अपने को डिस्टेंस बिटवीन सर्कल्स क्यू टू क्यू थ्री कितना हो जाएगा बोलो, ये थ्री है और ये कितना है नाइन, तो थ्री प्लस नाइन कितना हो गया ट्वेल्व, सो क्यू टू क्यू थ्री कितना आ गया अपना, क्यू टू क्यू थ्री आ गया अपना ट्वेल्व, नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन, अब मैं बात करने जा रहा हूँ किसकी, आर टू आर थ्री की। तो देखो आर टू आर थ्री की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, आर टू आर थ्री क्या है अपना, आप ध्यान से देखो तो ये है इंटरनल कॉमन टेंजेंट है ना, आई सी टी। तो अब आप देखो ध्यान से, तो अच्छा ये तो पता है ना क्या होती है आई सी टी अपनी, जब भी क्या होगा जो कॉमन टेंजेंट है उसके सेंटर्स क्या हैं सर्किल्स के अपोजिट साइड में, तो उसको बोलते हैं इंटरनल कॉमन टेंजेंट है ना, और सेम साइड में होते तो क्या बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ना, डी सी टी। तो ये आई सी टी है, तो आई सी टी की लेंथ निकालनी आपको आती है ना, क्या हो जाएगी बताओ, आर टू आर थ्री किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, कितना है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ट्वेल्व, ठीक है, ट्वेल्व का स्क्वायर हो गया प्लस, सॉरी माइनस, माइनस आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर, तो आर वन कितना है टू रूट थ्री, आर टू कितना है टू रूट थ्री, टू रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री कितना हो गया फोर रूट थ्री, फोर रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चार चौक सोलह थी अड़तालीस, फोर्टी एट आ जाएगा, तो उसको निकालना है अपन कितना आ जाएगा, ये वन फोर्टी फोर माइनस फोर्टी एट, तो ये आ रहा है मेरे ख्याल से नाइन्टी सिक्स, और ये कितना हो गया सोलह छः छियानवे, नहीं फोर रूट सिक्स आ गया, ये कितना आ गया फोर रूट सिक्स। तो एक मिनट अपन ऑप्शन चलें जरा, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार जरा, Q2, Q3, 12 है पहला ऑप्शन सही है, ठीक है पहला ऑप्शन सही है, R2, R3, 4 root 6 आ रहा है, मेरा भी कितना आ रहा है 4 root 6, ठीक है अपना भी 4 root 6 आ रहा है। और अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकालना है, O, R2, R3 और P, Q2, Q3, चलो हटा देते हैं इसको अब, आ जाओ देखो दोनों ठीक, दोनों आ गए अपने पास। अब देखो तीसरा क्या निकालना है अपने को, क्यू
आर टू आर थ्री का एरिया निकालना है अपने को, है ना। क्यू क्यू निकालना था, वो निकालना था, वन सेकेंड, ओ आर टू आर थ्री है ना, ओ आर टू आर थ्री, ठीक है। ओ इज द सेंटर ऑफ प्रीवियस सर्किल है ना, जो अपना ओरिजिनल सर्किल था सी वन, उसका सेंटर था ओ। तो ओ आर टू आर थ्री निकालना है अपने को, तो इसको मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लूँ, ये आ गया, ठीक है। अब देखो ये, दिस द ट्रायंगल विच वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया, ना, फॉर विच वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखो एक बात बताओ, सेंटर है ये क्या होगा, रेडियस, बट इट इज परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट, तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट कर लोगे, आपके पास हाइट बेस है कितना, फोर रूट सिक्स, हाइट कितनी हो गई, हाइट कितनी है इसकी, रूट थ्री है ना, रेडियस ऑफ द सर्किल कितना है, रूट थ्री, तो हाफ बेस इनटू हाइट कर लोगे, क्या आ जाएगा, हाफ बेस कितना है बोलो, फोर रूट सिक्स, ये भी निकाला था ना अपन ने, इनटू हाइट कितना बोल रहा हूँ मैं आपसे, रूट थ्री, तो कितना आ जाएगा, ये थ्री बाहर आ गया, तो थ्री फोर जाए ट्वेल्व, ट्वेल्व अपन रूट टू, यानी कि कितना हो गया ये, सिक्स रूट टू आ गया, टू टू जाए फोर, फोर थ्री जाए सिक्स रूट टू, यस सिक्स रूट टू आ गया, ठीक है। और लास्ट लास्ट क्या पूछ रहा है आपसे वो, और आपसे ट्रायंगल पूछ रहा है वो आपसे, ओ पी, एक और आपसे ट्रायंगल पूछ रहा है, बताए कौन सा वाला, ये वाला, क्यू पी, क्यू टू, क्यू थ्री और पी, ये वाला जो ट्रायंगल बनना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो इसका आपको एक्स कोऑर्डिनेट कितना रूट टू दे रखा है, तो क्या हो जाएगा इसका, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट टू, तो हाफ बीस इंटू हाइट इसमें कर लो आप, कर लोगे आराम से, है ना। चलें आगे नेक्स्ट, चलो देख लेना, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थ्री में, देखो, लेट पी बी द पॉइंट ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स विच इज एट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एस ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सिक्सटीन वाई, ठीक है, पढ़ लिया क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से, है ना। देखो आ जाओ, ये कहना चाह रहा है आपसे कि आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, मान लो पैराबोला है ये, और इसका इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स। अभी कह रहा है एक सर्किल है अपने पास जिसका सेंटर क्या हो गया, 2.8, और रेडियस कितना आ जाएगा इसका, 2 ही आ जाएगा। तो एक और सर्किल है अपने पास, एक सर्किल है सॉरी जिसका रेडियस क्या है अपना, जिसका रेडियस क्या है 2, और पॉइंट है 2.8 कहीं यहाँ पर आएगा, और रेडियस इसका छोटा सा है बेचारा 2। तो अब ये कह रहा है कि ये जो सर्किल है इससे नियरेस्ट डिस्टेंस पर क्या है, एक पॉइंट पी है ऑन द पैराबोला। तो आपको याद होगा मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स किस पे आती है, अपनी कॉमन नॉर्मल पर। तो मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी किससे, सेंटर ऑफ सर्किल, है ना, कॉमन नॉर्मल टू बोथ द कर्व्स, है ना। एक मिनट रुको बस जरा, ठीक है ना, देखो ये रहा, एट इज एट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल एस, जो सर्किल का सेंटर है ना एस, उससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंटर एस, और ये हो गया पी, और ये हो गया क्यू, और ये कह रहा है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर है कौन, पी, किससे, एस से। तो दोनों की क्या होगी, कॉमन नॉर्मल हो गई ये, कौन, पी एस। चलो अब आगे चलते हैं ना, अब एक मिनट रुको, आ जाओ। अब आपको दिखाई दे रहा है क्या है, एक सर्किल है छोटा सा जिसका रेडियस कितना है 2, सेंटर क्या है एस, तो सेंटर तो आप निकाल लोगे कितना आ जाएगा 2.8, अभी निकाल दिया था मैंने, और रेडियस कितना है इसका 2, तो रेडियस इज 2। अब आपसे क्या कह रहा है पता है, अब आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि एस पी निकालना है आपको, एस क्यू अपॉन क्यू पी निकालना है, काफ़ी कुछ निकालना है ना। तो अपने काम करते हैं, पहले तो ये बात करते हैं कि जो पी पॉइंट होगा, जो इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर है किससे, सर्किल से, वो निकाल लें। तो वो क्या होगा, 80 स्क्वायर कॉमा 280, और यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो कितनी है आपकी, 1, 4ax होता है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ए की वैल्यू कितनी है पर 1, और ए की वैल्यू 1 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, टी स्क्वायर कॉमा 2t, है ना, 80 स्क्वायर कॉमा 280 होता है, तो ए की वैल्यू रख दिया मैंने 1। अब ये बताओ मेरे को आप, इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी पैराबोला की, ये हो जाएगी वाई प्लस टी एक्स, पैरामीट्रिक फॉर्म में पढ़ी आपने ना, 280, यानी कि 2t प्लस 80 क्यूब, टी क्यूब, ए की वैल्यू क्या कर दी आपने 1। अब देखो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला, एंड दिस इज ऑल्सो द नॉर्मल टू द सर्किल, तो कहां से पास करेगी ये, ओरिजिन से, तो ओरिजिन से पास करेगी, तो ओरिजिन क्या है इसका 2.8, तो 2.8 क्या करेगा इसको, सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करा दो आप, तो इससे टी की वैल्यू निकल आएगी आपकी। चलो देखते हैं सेटिस्फाई करा के क्या होता है, तो 8 प्लस 2t इक्वल टू 2t प्लस टी क्यूब,
2t प्लस टी क्यूब, ठीक है। तो अब देखो 2t से 2t तो कट गया, तो t की वैल्यू क्या जाएगी सीधे, रियल वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, तो t की वैल्यू आ गई 2, तो इसको रख दो यहां पर, तो p पॉइंट क्या जाएगा आपका बोलो 4.4, सही है, t स्क्वायर कमा 2t। अब p पॉइंट आ चुका है, अब आपको क्या करना है बताओ, sp डिस्टेंस निकालना है, तो sp डिस्टेंस बताओ कितना आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लोगे आराम से। अब आप sp डिस्टेंस निकाल लो, sq डिस्टेंस कितनी है 2, तो qp कितना आ जाएगा, निकाल दूं मैं sp, sp कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा आपका 4 + 16, यानी कि 2√5 आ गई है, ये कितना आ गया 2√5। और मैं आपसे पूछूं QP कितना होगा, तो QP कितना हो जाएगा बताओ, 2√5 - 2, सही है, 2 कॉमन ले लो आप इसमें से, तो क्या आ जाएगा √5 - 1। अब आपसे डिस्टेंस, अब आपसे पूछ रहा है ये बताए क्या, SQ/QP, तो निकाल लोगे आराम से SP/QP, SQ/QP, चलो एक बार देख लें क्या क्या कह रहा था ये। ये एक तो SP निकल पा रहा है, 2√5 आ रहा है, बिल्कुल सही है, SP पहला ऑप्शन सही है इसका मतलब, इसका सेकंड ऑप्शन क्या है, SQ/QP, चेक कर लोगे आप आराम से, दी एक्स इंटरसेप्ट ऑफ दी नॉर्मल टू द पैराबोला एट पी, पी पर जो नॉर्मल है ना उसका एक्स इंटरसेप्ट, इसका मतलब क्या कर दो आप, वाई को जीरो कर दो, तो वाई को जीरो करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो चेक करो, वाई को जीरो करो, एक्स की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, टी का वैल्यू रख दो आप इसमें ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लो, है ना, क्या आ जाएगा, वाई प्लस टी का वैल्यू 2 आ रहा ना, तो 2x इक्वल टू 2 × 4 और 8 12 आ जाएगा, ये आ गया। अब देखना वाई की वैल्यू 0 करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, तो ये जो एक्स इंटरसेप्ट है इसका वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है, ये कितना दे रहे कह रहे हैं, 6 कह रहे हैं, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन भी सही है इसका मतलब, इसका सेकंड ऑप्शन आप चेक कर लेना, ठीक है ना, सेकंड ऑप्शन चेक कर लोगे, और दी स्लोप ऑफ टेंजेंट तो सर्किल एट क्यू, क्यू पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो अब इसकी टेंजेंट देख लो, इसकी स्लोप कितनी आ रही है -2, इसकी स्लोप -2 आ रही है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आ जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगी +1/2 आ जाएगी, ये भी +1/2, ठीक है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही है इसका, है ना, क्यू को आप चेक कर लेना एक बार, कर लोगे, चलें आगे, चलो यस, क्वेश्चन नंबर 4, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ पी द सर्किल (x²+y²+2x+4y-p=0) एंड द कोऑर्डिनेट एक्सस हैव एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट्स, एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट्स का मतलब क्या हो गया, देखो आप सबसे पहली बात तो ये हो गया, सर्किल को थोड़ा सा प्यार से लिख लो आप, है ना, क्या लिख सकते हो आप, ओहो ठीक है, पहले सर्किल को आप बड़े प्यार से लिख लो, x+1 का होल स्क्वायर आ गया ये, प्लस y+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ जाएगा, p वहां जाके पॉजिटिव हो गया और 5 भी वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा, सही है ना, चलो ये आ गया। अब अपने से क्या कह रहा है ये, एग्जैक्टली 3 पॉइंट पर कट करना चाहिए, अच्छा चलो देखते हैं, तो सर्कल का सेंटर क्या आ रहा है, -1, -2, तो इसका मतलब -1, -2 कहीं आ रहा होगा, तो ये हो गया सर सर्कल का सेंटर -1, -2। अब एक बार बताओ सर्कल को 3 जगह कट करना है तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बनेंगी, देखो पहली बात तो ये 3 पॉइंट पर कट करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया क्या तरीका है अपना, कि अपन इसको सेंटर से पास करा दें, ओरिजिन से पास करा दें, ठीक है ना, ओरिजिन से पास करेगा तो इसका मतलब कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, है ना, किसी भी कर्व में, है ना, दुनिया में किसी भी कर्व में क्या है, कॉन्स्टेंट पार्ट 0 है, तो उसका मतलब दैट कर्व इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो आप पी की वैल्यू 0 कर दो आप, ठीक है ना, तो ये ओरिजिन से पास कर जाएगा, और ओरिजिन से पास करेगा तो क्या होगा, 3 पॉइंट्स पर कट करेगा एक्सस को, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है, तो पी की वैल्यू तो 0 हो सकती है। दूसरी बात क्या पॉसिबिलिटी है, देखो आप ऐसा भी हो सकता है ना कि ये जो सर्किल है ना, ऐसा भी हो सकता है ना, इस पॉइंट से मैं इस तरीके सर्किल ड्रॉ करूँ कि ये वाई एक्सिस को टच करे और सॉरी एक्स एक्सिस को टच करे और वाई एक्सिस को कट करे, ऐसा ही पॉसिबल है, और तब भी ये 3 पॉइंट पास कर रहा है कहाँ से, कोऑर्डिनेट एक्सिस को, तो 3 पॉइंट टच करने के लिए या तो वाई एक्सिस को कट कर रहा है और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, या फिर ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ओरिजिन से पास कब करेगा, जब पी की वैल्यू 0 होगी, तो एक वैल्यू तो मेरे को मिल चुकी है पी की, ठीक है, अब अपन बाकी दो वैल्यू 3 वैल्यू जो भी आ रही होंगी वो निकाल लेते हैं, तो क्या आएगी, देखो y एक्सिस को कट करने के लिए अपने को पता है क्या होना चाहिए, f²-c must be greater than 0, सही है ना, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस y एक्सिस पढ़ा है ना सर्कल में, और दूसरी बात g²-c क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0, अब बताओ इसका सेंटर क्या आ रहा है, -1, -2, तो ये तो कितना हो गया 1 - c, c का मतलब कितना हो गया इसमें -p, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं -p, ठीक है, इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, -1 आ गई, अब चेक कर लेते हैं सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है ना, f²-c मतलब f की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से -2, तो 4 - p,
ग्रेटर देन जीरो, तो पी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, प्लस का पी हो गया, तो क्या हो जाएगा, पी ग्रेटर देन आ गया आपका माइनस फोर, तो पी ग्रेटर देन माइनस फोर आ रहा है और पी की वैल्यू माइनस वन, यस इट इज सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन, है ना। तो उसका मतलब क्या हो गया, पी की वैल्यू माइनस वन पॉसिबल है, तो पी की वैल्यू एक माइनस वन हो गई और एक क्या हो गई जीरो, तो देयर आर टू वैल्यूज ऑफ पी विच आर फिजिकली सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन, है ना, फॉर विच ये जो सर्किल है वो क्या करे, तीन पॉइंट पे एग्जैक्टली तीन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे किसको, कोऑर्डिनेट एक्सिस को। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन में, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया जीरो टू, है ना, दो वैल्यूज होंगी पी की। चलते हैं आगे नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फाइव, लेट पी बी अ पॉइंट इन द फर्स्ट ऑक्टेंट हुज इमेज क्यू इन द प्लेन दिस, ठीक है, लाइज ऑन द एक्स वाई जेड एक्सिस। तो देखो एक काम करो आप, पहले तो आपको क्या दे रखा है, इसमें प्लेन दे रखा है, चलो रहने दो, ठीक है, और ये अपना है पॉइंट पी, इसकी जो इमेज है अबाउट द अबाउट दिस प्लेन, कौन सा प्लेन है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री, वो क्या है क्यू, तो क्यू किस पे लाई करा है, जेड एक्सिस पे, तो उसको आप मान लो जीरो कॉमा जीरो कॉमा गामा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, देखो क्यू की हेल्प से अपन पी निकाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि क्यू किसकी इमेज है पी की, तो अपन ये कह सकते हैं क्यू की इमेज पी है, ठीक है, तो एक काम करते हैं अपन पी की कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो क्या निकालेंगे अपन, देखो इसको लिख लो आप एक्स प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो इमेज ऑफ P with respect to this plane, है ना, सॉरी इमेज ऑफ Q with respect to this plane क्या हो जाएगी, x माइनस जीरो अपॉन ए यानी कि वन, y माइनस जीरो अपॉन बी यानी कि वन, z माइनस गामा अपॉन सी यानी कि जीरो इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना, माइनस ट्वाइस ऑफ इमेज के कोऑर्डिनेट निकाल लें, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रख दो ये पॉइंट अपना प्लेन में, तो क्या आ जाएगा जीरो जीरो यानी कि माइनस का थ्री आ गया अपॉन में टू, तो ये कितना आ गया, प्लस का थ्री आ गया ये, ओके okay. तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी बताओ, x की वैल्यू आ जाएगी 3, y की वैल्यू आ जाएगी 3 और z की वैल्यू क्या आ गई अपनी गामा, तो इसका मतलब क्या हो गया, अपने पास क्या मिल गया, p पॉइंट मिल गया, p पॉइंट के ऑर्डिनेट क्या आ गए 3, 3, गामा ये आ गया, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं, मैं छोटा सा p पॉइंट मेरे को मिल गया है, तो p पॉइंट मिल गया है, तो एक काम करते हैं, अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, लेट द डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम x एक्सिस बी 5, p की डिस्टेंस x एक्सिस से कितनी है 5, तो P की डिस्टेंस x एक्सिस 5 है, तो अपने को कैन ऐसा करते हैं, P की डिस्टेंस जो x एक्सिस उसको मान लेते हैं PQ, है ना, तो PQ कितना हो गया अपना, अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो कितना आ गया ये 5 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा PY यानी कि 9 और z यानी कि गामा का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 25, यहाँ से गामा की वैल्यू निकाल लो आप, गामा की वैल्यू कितनी आ गई 4, क्योंकि अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑक्टेंट की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑक्टेंट में क्या होगा, गामा पॉजिटिव होगा, तो गामा की वैल्यू आ गई 4, तो अब अपने को P मिल गया, अब अपने को क्या निकालना है, R इज द इमेज ऑफ P इन द एक्स वाई प्लेन। अब देखो एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, किसकी बात कर रहा हूँ, एक्स वाई प्लेन की, तो यदि एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं अपन, और कौन सा पॉइंट है अपना 3, 3, गामा कितना है अपना 4, तो इस पॉइंट के अपने को इसके अबाउट इमेज, किसके एक्स वाई प्लेन के अबाउट इमेज, वो मान लिए क्या आर, और ये है पी, तो जितना ये होगा डिस्टेंस उतना ही होगा, इमेज है वो आर पी का, ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस कितना होगा एक्स वाई प्लेन से 4, और 4 ही क्या होगा नीचे इमेज का डिस्टेंस होगा प्लेन से, तो क्या होगा 4 + 4 = 8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना 8 आ जाएगा। चलें आगे नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखो क्या कह रहा है, लेट टी बी द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी -2, 7 एंड क्यू -2, -5, लेट एफ वन बी द सेट ऑफ ऑल पेयर ऑफ सर्किल S1, S2 सच दैट टी इज अ टेंजेंट, टी इज अ टेंजेंट टू S1, ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार अच्छे से, और मैं क्वेश्चन को बताता हूँ क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। देखो अपने से ये क्या कह रहा है, दो पॉइंट हैं P और Q, इनसे एक लाइन पास हो रही है अपनी, अब ये कह रहा है कि F1 जो है ना वो सेट ऑफ ऑल पेयर ऑफ सर्किल है ना, ऑल पेयर ऑफ सर्किल्स S1, S2, अभी S1 और S2 कौन है, ये वो सर्किल हैं जो P और Q पर टच कर रहे हैं, किसको, लाइन सेगमेंट को, तो कुछ ऐसी कहानी है ना, थोड़ा सा मैं फिगर बनाऊंगा आपके सामने रफ, तो देखो ये हो गया अपना पॉइंट P मान लो और ये मान लो Q, तो P पर और Q पर है ना टच करने वाले दो सर्किल बना दिए मैंने, और अब ये P और Q तो दे रखे अपने को, अभी आगे क्या कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं कहां पर, M पर, तो M का जो लोकस है ना, अभी कह रहा है ऑल्सो टचिंग एट अ पॉइंट M, लेट E1
बी द सेट ऑफ रिप्रेजेंटिंग लोकस ऑफ एम एच पेयर एस वन कॉमा एस टू वेर इज, ठीक है ना, पॉइंट एफ वन, सॉरी एफ वन, ठीक है ना। तो अब देखो एक बात है, सीधी सी बात है क्या, कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये क्या है, दोनों को टच कर रहा है सर्किल को। तो अब मैं इसे एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ, कॉमन टेंजेंट टू बोथ द सर्कल्स, है ना। तो क्या करेगी, वो इसको इंटरसेक्ट करेगी, और आपको याद हो तो ये किसका काम कर रही है, रेडिकल एक्सिस, ये किसका काम करेगी, रेडिकल एक्सिस। तो रेडिकल एक्सिस है ये दी, तो उसका मतलब क्या हो गया, ये और ये दोनों टेंजेंट है सर्किल की, तो ये लेंथ भी इसके इक्वल होगी और ये दोनों लेंथ भी इक्वल हैं। तो कुल मिला के क्या हो गया, दिस लेंथ इक्वल टू दिस लेंथ इक्वल टू दिस लेंथ। इसको अपन पॉइंट क्या मान लें बताओ, इस पॉइंट को अपन कुछ मान लें, इस पॉइंट को कुछ, अच्छा दे भी रखा था क्या, ये दे नहीं रखा कुछ भी, है ना। इसको मान लेते हैं अपन क्या, टी, क्या मान लेते हैं पॉइंट को, टी। तो टी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया किसका, टी क्यू का, एंड टी इज, और मैं ये भी कह सकता हूँ टी एम, टी एम इक्वल टू टी क्यू इक्वल टू टी पी, ये कह सकते हैं आराम से। और ये जो पॉइंट होगा वो इस तरीके से मूव करेगा कि अपने पास जो डिस्टेंस होगा कौन सा, टी क्यू और टी एम, ये हमेशा इक्वल होगा और ये भी इक्वल होगा। तो देखो आप सोच के देखो, ये जो एम मूव करेगा वो इस तरीके से मूव करेगा, जो टी क्यू है ना वो किसकी तरह वर्क करेगा, डायमीटर की तरह, किसके लिए, एम के लिए। तो एक काम कर सकते हैं, मैं छोटा सा, मैं सीधे सीधे क्या करूँ, एक काम करते हैं देखो, इसका मतलब एम का जो लोकस है, एम का जो लोकस वो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा जिसका डायमीटर कौन होगा, पी क्यू। तो पी और क्यू क्या देखें अपने को, देखो माइनस टू कॉमा सेवन एंड टू कॉमा माइनस फाइव। तो मैं क्या करूँ, डायमेट्रिक फॉर्म से सर्किल की इक्वेशन लिख लूँ, तो बताओ क्या हो जाएगी, एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस टू प्लस वाई माइनस सेवन इंटू वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखो एक बात बताओ मेरे को, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा है, वैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और क्या आएगा, फोर एक्स नहीं आएगा, यहाँ से क्या जाएगा, माइनस का टू वाई, यस माइनस का फोर और माइनस का 35, तो 39 हो गया इक्वल टू जीरो। ये क्या आ गया आपके पास, सर्कल की क्वेश्चन आ गई, कौन सी वाली की, लोकस की, ठीक है। देखो तो क्या आ गया, ये तो अपना आ गया इवन, ये तो क्या गया अपना इवन आ गया। अब इवन आ गया तो क्या करेंगे बताओ, ये तो क्या गया इवन आ गया। अब देखो आगे क्या कह रहा है ये, अभी आगे से बोल रहा है आपसे, लेट दी सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन पासिंग सेगमेंट्स ज्वाइनिंग अ पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ इवन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट आर वन कॉमा वन बी एफ टू, एंड लेट ई टू बी द सेट ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट इन द सेट एफ टू। जो एफ टू में जो एफ टू का सेट है ना, ई टू क्या है इसमें, ई टू मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे है ना। तो इस सर्किल, इस ये जो सर्किल आपके बन रहा है ना, इसके जो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला है ना, कौन से, मिड पॉइंट्स को, ई टू बी द सेट ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट्स इन द सेट एफ टू। तो एक काम करें अपन, ये जो सर्किल है इसके मिड पॉइंट्स को, जो मिड पॉइंट्स से बनने वाले लाइन्स कौन सी होंगी बताओ, मिड पॉइंट से बनने वाली लाइन कौन सी होंगी, अपन ये कह सकते हैं कोई भी सर्किल है, कोई सर्किल है उसके मिड पॉइंट्स है ना, उसका मिड पॉइंट। तो क्या कर लगा सकते हैं अपन, कॉर्ड है ना, कॉर्ड का फॉर्मूला लगा लें, जब अपने को किसी भी सर्किल में, किसी भी सर्किल में कॉर्ड का मिड पॉइंट पता है मान लो, ठीक है ना, और ये क्या है मान लो एच कॉमा के, और इक्वेशन ऑफ कॉर्ड्स लिखनी है जिनका मिड पॉइंट अपने को पता है। तो क्या लिखते हैं अपन, एस एस वन इक्वल टू एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर लिखते हैं। तो एक काम करूं मैं, क्या निकाल लूं मैं, ई टू निकाल लूं इसकी हेल्प से, तो बताओ ई टू क्या हो जाएगा अपना। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे भेज दें, आ जाओ। तो देखो आ जाओ, देखो अब क्या हो जाएगा, ई टू, ई टू क्या हो जाएगा अपना, ई टू हो जाएगा एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी क्या हो गया एस एस वन, क्या मान लें मिड पॉइंट को, एच कॉमा के मान लूँ, तो क्या हो जाएगा एच एक्स प्लस के वाई माइनस वाई प्लस के माइनस 39 एस एस वन हो गया, ठीक है। अब टी स्क्वायर, टी स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू के माइनस 39, ठीक है, 39 कट गया। और क्या आ जाएगा यहाँ से, यहाँ से आ जाएगा एच स्क्वायर, या सीधे लिखूँ मैं एच एक्स प्लस के वाई माइनस का वाई माइनस का के इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब एक बात और, ये कहाँ से पास कर रहे थे, 1.1 से, तो 1.1 क्या करें, सेटिसफाई करा करेगा इनको, तो 1.1 इसमें पुट कर दो आप, तो क्या आ जाएगा एच प्लस के माइनस वन माइनस के इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो क्या बन गई मेरे पास इक्वेशन, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर
माइनस एच प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये क्या आ गई मेरे पास, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, है ना, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, एच एक्स प्लस के वाई माइनस वाई, वन कॉमा वन सेटिस्फाई कराया ना मैंने, ठीक है, माइनस के इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या अपना ई टू आ गया। अब देखो अब ऑप्शन क्या कह रहा है अपने से, आ जाओ। अब देखो ऑप्शन कह रहा है कौन से ऑप्शन पॉइंट से सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ई वन, ई वन मैंने पहले निकाल दिया था, चेक कर लोगे, और द पॉइंट फोर अपॉन फाइव कॉमा सेवन अपॉन फाइव डज नॉट लाइड ऑन इन ई टू, ये भी चेक कर लोगे आप, और द पॉइंट वन बाई टू कॉमा वन लाई इन ई टू, ठीक है, द पॉइंट जीरो कॉमा थ्री बाई टू, चेक कर लोगे ऑप्शन, बस ई वन ई टू है अपने पास, अब तो कर लोगे आराम से, है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, नेक्स्ट पैराग्राफ, ओके, क्वेश्चन नंबर ये है आपका सेवन, ठीक है। तो क्वेश्चन सेवन में देखो आप क्या कह रहे हैं, ये लेट एस बी द सर्किल इन द एक्स वाई प्लेन डिफाइंड बाय द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर, एक सर्किल है जिसका रेडियस कितना है फोर टू, और सेंटर क्या है इसका जीरो जीरो, लेट ई वन ई टू एंड एफ वन एफ टू बी द कॉर्ड ऑफ द एस, कॉर्ड ऑफ एस पासिंग थ्रू द पॉइंट पी जीरो कॉमा, अच्छा ठीक है, वन कॉमा वन से पास हो रही है, एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली, ठीक है, मतलब एक तो क्या है एक्स एक्सिस के पैरेलल है और दूसरा वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब आपसे कह रहा है लेट जी वन जी टू बी द कॉर्ड ऑफ एस पासिंग थ्रू पॉइंट पी नॉट एंड हैविंग स्लोप माइनस वन, लेट द टेंजेंट्स टू एस एट ई वन एंड ई टू मीट एट ई थ्री एंड जी वन, अच्छा एफ वन एफ टू पे जो ड्रॉ किए हैं वो मीट कर रही हैं एफ थ्री पर, अच्छा टेंजेंट्स अपने ड्रॉ किए हैं जी वन जी टू पर भी और वो मीट कर रही हैं जी थ्री पर, देन द पॉइंट्स E3, F3 और G3 किस कर्व पे लाई करेंगे, ओके okay, तो पहले अपन को पॉइंट्स निकालने हैं कौन कौन, E3, F3 और G3, तो एक काम करते हैं इसको हटाते हैं साइड साइड से करते हैं। अब आ जाओ आप देखो आपसे कह रहा है एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर, ये मैंने सर्कल मान लिया, ये हो गया इसका रेडियस टू, ठीक है, और उसका सेंटर सर्कल का दे रखा था क्या ओ मान लेते हैं, ठीक है ओ मान लेते हैं। अब आपसे कह रहा है कि वन कॉमा वन जो पॉइंट है ना इनसाइड ही होगा इसके, पक्का बताया आपको, है ना, तो ये जो पॉइंट है वन कॉमा वन इससे आपने दो कॉर्ड ड्रॉ करी है ना, एक तो हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है, एक एक्सिस के पैरेलल है और एक वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक है ना, ये पॉइंट है आपका वन कॉमा वन। तो ये बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स बराबर वन और इसकी इक्वेशन क्या होगी वाई इक्वल टू वन। अब ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट्स निकाल सकते हो आप आराम से, इसका नाम है ई वन ई टू और इसका नाम है जी वन जी टू, नहीं इसका है एफ वन एफ टू, है ना, जी वन तो कौन सा था जो पी नोट से एक कॉर्ड कॉर्ड ड्रॉ की है ना जिसका स्लोप माइनस वन है। तो देखो इस पॉइंट को एक्स इक्वल टू वन रखोगे इसमें सर्किल में, सर्किल की इक्वेशन क्या बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर, रखो जरा एक्स की वैल्यू जब वन रखोगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस रूट थ्री, तो x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस रूट थ्री, तो 1 कॉमा रूट थ्री आ गया ऊपर, 1 कॉमा माइनस रूट थ्री आ गया नीचे। अब आप y की वैल्यू 1 रखो, y की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगा रूट थ्री कॉमा वन और माइनस का रूट थ्री कॉमा वन, ये क्लियर है। अब आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में देखो, e1 और e2 पे मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ की तो वो इंटरसेक्ट करती हैं e3 पर, और f1 और f2 पे जब इंटरसेक्ट टेंजेंट्स ड्रॉ करूंगा तो वो इंटरसेक्ट करती हैं कहां पर f3 पर, और जब आप G1, G2 पे करोगे तो उसको बाद में बात करेंगे, पहले अपन E1, E2 की बात कर लेते हैं। वैसे अब आप क्वेश्चन कर सकते हो आराम से, करना क्या है आपको E1 और E2 पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, मान लो तो E1 पॉइंट पता है आपको, E2 पॉइंट पता है ना, तो पॉइंट फॉर्म लगा दो आप टेंजेंट के लिए, सर्कल की क्वेश्चन आपको दे ही रखी है, तो क्या हो जाएगा रूट थ्री एक्स, है ना, क्या लिखूं मैं टेंजेंट एट E1, बोलो क्या हो जाएगी रूट थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर, ये आगे क्वेश्चन एट टी वन, सॉरी टेंजेंट एट टी वन ई वन और टेंजेंट एट E2, बोलो क्या हो जाएगी E2 में माइनस आ जाएगा बस, तो माइनस का रूट थ्री एक्स प्लस का वाई इक्वल टू फोर, सही है। अब आपको क्या करना है इनको सॉल्व करके E3 निकालना है, तो बताओ E3 क्या हो जाएगा अपना, E3 हो जाएगा मेरा, इन दोनों को सॉल्व कर लो आप, तो E3 को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, दोनों को ऐड कर लोगे तो क्या जाएगा वाई की वैल्यू फोर आ गई, और वाई की वैल्यू फोर रखोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई जीरो, तो E3 आ गया मेरा जीरो कॉमा फोर, तो यानी कि वाई एक्सिस पे कट करेंगे एक दूसरे को ये, ठीक है ना, दोनों टेंजेंट्स, आसान है। और थोड़ा सा और आगे चलें अपन, अब ये तो बात किसी होगी E1 E2 की, अब बताओ मेरे को टेंजेंट एट
F1 कौन सा पॉइंट? ऊपर वाला। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 1, √3। इसको भी निकाल लो आप, तो क्या हो जाएगा? x प्लस √3y इक्वल टू 4। और टेंजेंट एट F2 ये कितना आ जाएगा? तो x माइनस √3y इक्वल टू 4। दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4 और x की वैल्यू आ गई 4, तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ? y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो ये क्या आ गया? 4, 0। क्लियर है बात? तो मेरे पास क्या आ गया? पॉइंट आ गया F3। तो F3 आ गया 0, 4। ये बात क्लियर हो गई? ये आ गया कौन? F3। अब F3 आ गया, E3 आ गया। सेम आप G3 निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? देखो आप देखो, एक पॉइंट 1, 1 से लाइन पास कर रही है और उसका स्लोप कितना है? -1। तो क्या लिखोगे आप? y माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1 विथ स्लोप -1। तो ये आ गई। इसको आप सॉल्व कर लो, तो x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ G1, है ना? कॉर्ड जो है इक्वेशन कॉर्ड आ गई G1 G2। अब इसको भी आप सॉल्व कर लोगे सर्कल के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा? G2 G3 मिल जाएंगे। और जैसे ही G1 G2 मिल जाएंगे, अब आपको G1 G2 मिलने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे फाइंड करें F3 और E3, ऐसे आप फाइंड कर लोगे क्या? G3। अब G3 फाइंड करने के बाद आप चेक कर लोगे, F3 मिल गया, E3 मिल गया, G3 मिल गया। अब आप क्या निकाल लोगे? इसमें क्या निकालना है अपने को? किस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है ना, किस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है? तो किस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है आप निकाल लोगे आराम से। पक्का चलें आगे? चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन। अगले क्वेश्चन में क्या कह रही है? एक मिनट रुको जरा, है ना? F3 क्या है अपना? 0, 4। E3 क्या है अपना? 0, 4। एक मिनट, F3 0, 4 कैसा गया? 4, 0 आएगा ना ये, तो है ना? 4, 0 आएगा, ये क्या आएगा? 4, 0, ठीक है ना? सही हो गया, चलो इसी बहाने। चलो ठीक है, तो F3 क्या हो गया? 4, 0। और अब मैं आगे बात करूं तो निकाल तो लोगे नहीं, निकाल पाओगे बताओ? G1 G2 से हेल्प से निकाल लोगे ना, सॉल्व कर लोगे आराम से इक्वेशन को, है ना? x प्लस वाई माइनस, वहां तो क्या था? थोड़ा आसान था, यहाँ थोड़ा सा क्या था? आसान था, पॉइंट्स निकालना है ना, निकाल लिया था अपन ने। आप इसको भी निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना? इसको खास। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है ये? लेट s बी द सर्किल इन द प्लेन xy प्लेन, है ना? वो तो पैराग्राफ वही है। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, लेट p बी अ पॉइंट ऑन द सर्किल s विद बोथ कोऑर्डिनेट्स बीइंग पॉजिटिव, लेट द टेंजेंट टू s। ओके, देखो क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे कि एक जो सर्कल है अपने पास गिवन, उस पर जो पी पॉइंट है कोई, है ना, उस पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, उस पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, और वो क्या कर रही है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ना, अच्छा ये कंडीशन है अपने पास, जो पी है ना उसके दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा होगा। तो उसको अपन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? 2 cos θ, 2 sin θ, है ना? टेंजेंट की इक्वेशन अपन लिख लेते हैं, क्या हो जाएगी बताओ? ये इक्वेशन है, सर्कल है x² + y² = 4। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ सर्किल? x x1, तो 2x cos θ + 2y sin θ = r, यानी कि 4। 2 से एडवाइड कर दो इसको, तो बन जाएगा इक्वेशन स्वीट सा, है ना? x cos θ + y sin θ = 2। ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब ये क्या कह रहा है आपसे कि ये एक्स एक्सिस और वाई से इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पर? एम पर और एन पर। तो कह रहा है अपने को इसके मिड पॉइंट, है ना, इसके मिड पॉइंट का क्या बताना है? लोकस, है ना, लोकस बताना है, ये मान लो आप। तो सिंपल सी बात है, एक काम करो आप, इक्वेशन ऑफ ये निकाल लिया अपने टेंजेंट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 करो और एक बार वाई कोऑर्डिनेट 0। एक्स को 0 करूंगा तो क्या मिलेगा बोलो? वाई मिल जाएगा मेरे को 2 cosec θ, और मैं वाई को 0 करूंगा तो एक्स का मिलेगा मेरे को 2 sec θ। तो क्या मिल गया यहां से? आप देखो ध्यान से, ये आपको मिल गया मेरे ख्याल से, यहां से मिल जाएगा sin θ, तो आ गया आपका, है ना, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो sin θ आ गया 2/y, और यहाँ से cos θ क्या आ गया? cos θ आ गया 2/x। क्या करोगे दोनों को? स्क्वायर करके ऐड कर दो आप, तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x² + y² = क्या आ जाएगा? 4 चला गया नीचे, तो ये आ जाएगा आपका x² + y², यानी कि x² y², तो ये हो गया तुम्हारा कुल मिला के x² + y² / 4 आ जाएगा, x² + y² = 4। देखो कहीं पे मेरे ख्याल से मिस्टेक हो गई शायद, है ना, चेक कर लेते हैं फटाफट से। x² + y² = क्या था? 4 था ना, तो x cos θ + y sin θ
तो एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। और यहाँ से अपन ने 2 कॉमन ले लिया, डिवाइड कर दिया 2 से, तो x की वैल्यू 0 करेंगे, सही ना, r cos थीटा r sin थीटा। मैंने पॉइंट क्या लिया है, 2 cos थीटा कॉमा 2 sin थीटा ना, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है अपना, 2 cos थीटा 2 sin थीटा, 2 x cos थीटा प्लस 2 y sin थीटा इक्वल टू 4। टू एक्स की वैल्यू 0 करी मैंने, तो वाई की वैल्यू मिली मेरे को 2 कोसेक थीटा, और यहाँ से मिला 2 सेक थीटा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो कितना हो जाएगा मेरा 1, तो ये आ जाएगा आपका 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये जाएगा 1/4, तो 1/4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ भाई देखो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है, लेट पी बी अ पॉइंट ऑन द सर्किल एस विद बोथ कोऑर्डिनेट्स बीइंग पॉजिटिव। देखो आपको सर्किल जो गिवन है ना उस पर टेंजेंट ड्रॉ किया आपने जिसके दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं उस पॉइंट पर, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया आपने फर्स्ट कोऑर्डिनेट में टेंजेंट ड्रॉ किया है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसके आप कोऑर्डिनेट मान लो, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या लोगे, 2 cos थीटा कॉमा 2 sin थीटा। अब आपसे क्या कह रहा है, ये जो टेंजेंट ड्रॉ करी है ये कट कर रही है x एक्सिस जो y एक्सिस, कहाँ पर बोलो, m पर और n पर, तो इसके मिड पॉइंट का लोकस बताना है आपको। तो एक काम करो आप, छोटा सा पहले तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लो, तो बताओ जरा मेरे को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी क्या हो जाएगी, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू आर जो भी आपका आर स्क्वायर, तो एक्स एक्स वन हो जाएगा कितना, 2x cos थीटा प्लस 2y sin थीटा इक्वल टू कितना हो गया 4। इसको आप सॉल्व कर लोगे आराम से, x को 0 कर दोगे तो पॉइंट n आ जाएगा, और y को 0 कर दोगे पॉइंट m आ जाएगा, ठीक है ना। तो x को 0 करने पे देखो y कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2 cosec थीटा, और y को 0 करने पे x कितना आ रहा है आपका 2 sec थीटा। तो आपके सामने x और y दोनों आ गए, अब एक काम करो, x और y दोनों आ गए तो क्या करोगे आप, इसका मिड पॉइंट निकाल लो। तो मिड पॉइंट को मान लेते हैं अपन q, है ना, मिड पॉइंट q मान लेता हूँ मैं, तो q के कोऑर्डिनेट लो क्या आ जाएंगे, q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके cosec थीटा, ये क्या है y कोऑर्डिनेट है ना, तो ये आएगा sec थीटा, है ना, sec थीटा, ठीक है ना, sec थीटा कॉमा cosec थीटा, और ये इसको क्या मान लो आप h कॉमा k, क्या मान लो h कॉमा k, कर लोगे सॉल्व आराम से, क्या आ जाएगा 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर, दोनों को ना रेसिप्रोकल करके ऐड कर देना है ना, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, कर लोगे आराम से, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलें आगे नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो, अ लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 इंटरसेक्ट दी सर्किल दिस वन एट पॉइंट्स पी एंड क्यू, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू हैज एक्स कोऑर्डिनेट -3/5 देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो ये आपसे कह रहा है कि एक कोई लाइन है वो इस सर्किल को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट्स पे, है ना, तो एक सर्किल बना लिया मैंने और इसके जो सेंटर है वो हो गया 3, -2 और ये मैंने मान ली लाइन है पी क्यू और ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, और इसका जो मिड पॉइंट है ना, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू हैज एक्स कोऑर्डिनेट -3/5। अब देखो मिड पॉइंट दिखा है अपने को, इसको मान लो एम और ये कितना है -3/5, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट आराम से निकल सकता है, बताओ लाइन की इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 है, तो इसमें आप x कोऑर्डिनेट को पुट कर दो तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो, माइनस का 3m अपॉन 5 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप ये बताओ मेरे को, इसको मैं से ज्वाइन कर दूं मिड पॉइंट को, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया इसके, सही है ना, परपेंडिकुलर होगा ना, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाई सेट द कॉर्ड, तो ये क्या हो गया इसके परपेंडिकुलर होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं आपसे बोलूं इसको ओ मान लो, स्लोप ऑफ ओ एम क्या हो जाएगी बोलो, इस लाइन का जो स्लोप था वो क्या था m, तो स्लोप ऑफ ओ एम कितना आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन एम आ जाएगा, और स्लोप ऑफ ओ एम इस लाइन के लिए निकालो आप टू पॉइंट फॉर्म से, किससे, टू पॉइंट फॉर्म से, तो क्या आ जाएगी बताओ, तो यहाँ से एम निकाल लोगे आप आराम से, एम की वैल्यू निकालना, एम की वैल्यू क्या आएंगी यहाँ सॉल्व करके, एम की वैल्यू आएगी 2 और 3, कर लोगे आप सॉल्व करके, ठीक है ना, एम की वैल्यू आ जाएगी यहाँ, स्लोप नहीं कर पाओगे क्या, स्लोप ऑफ ओ एम वाई टू माइनस वाई वन ये सेम है ना, सॉरी वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू माइनस वन अपॉन एम, कर लोगे टू पॉइंट फॉर्म से, है ना, दोनों पॉइंट आपको दे रखे हैं। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे, लेट दी सर्किल्स सी वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9
एंड सी टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटरसेक्ट एट पॉइंट्स एक्स एंड वाई. सपोज दैट एन अदर सर्कल सी थ्री दिस सेटिसफाई दी फॉलोइंग कंडीशन. क्या क्या है? सेंटर ऑफ सी थ्री इज कोलिनियर विद द सेंटर्स सी वन एंड सी टू. सी वन एंड सी टू बोथ लाई इन साइड सी थ्री. ठीक है. एंड सी थ्री टचेज सी वन एट एम एंड सी टू एट एन. ओके. लेट द लाइन थ्रू एक्स एंड वाई इंटरसेक्ट. चलो एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, है ना. तो सबसे पहले क्या कह रहे थे, दो जो सर्कल्स हैं अपने पास, दो जो सर्कल्स हैं कौन कौन से हैं? एक तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नाइन, एक का सेंटर क्या है 0, 0 और दूसरे का सेंटर क्या है अपना 3, 4 और उसका रेडियस भी कितना है 4. इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा होगा सर्कल. तो देखो कुछ ऐसा ही रहा होगा, देखते हैं थोड़ा सा, एक मिनट. तो इसमें ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं अपन, एक सर्कल बनाते हैं अपना, कौन सा वाला जो सेंटर 0, 0 है. ठीक है, ये हो गया. अब इसके बाद देखो ये तो पॉइंट क्या रहा होगा 3, 0 और दूसरा वो सर्किल है कौन सा है 3, 4 इसका सेंटर है. ठीक है, उसको भी ले लेते हैं अपन. तो ये कुछ ऐसे रहा होगा, ठीक है ना. ये हो गया दूसरा सर्किल अपना, ये हो गया सी वन, ये हो गया सी टू. अब एक और कह रहा है एन अदर सर्किल 3C3 जो का जिसका सेंटर क्या है h, k और साथ में रेडियस है r और वो कंडीशन क्या है इसके साथ कि जो C3 का जो सेंटर है वो क्या है कोलिनियर है किसके साथ C1 और C2 के साथ. तो C1 का सेंटर कहाँ है ये रहा, ये है आपका C1 का सेंटर. तो एक काम करते हैं C1 के सेंटर को मान लेते हैं अपन O1 और C2 के सेंटर को मान लेते हैं O2 और वो कह रहा है कि ये जो सर्कल है ना तीसरा वाला वो कोलिनियर है उसके सेंटर किसके साथ O और O1 और O2 के साथ. यहाँ मान लेते हैं बीच में O3. ठीक है, अब ये क्या कह रहा है C1 एंड C2 बोथ लाइज इनसाइड सर्कल C2. ठीक है, एंड C3 टचेज C1 एट M, C2 एट N, है ना, कोलिनियर है. इसका मतलब क्या हो गया सेंट सर्कल कैसे टच करेगा इसको, कुछ ऐसे टच कर रहा होगा सर्कल. ठीक है, मान लो यहाँ पे टच कर रहा है. ठीक है, अभी आपसे क्या कह रहा है इसका डायमीटर क्या बन जाएगा सर्कल का, बना दूँ मैं. ठीक है, अब आ जाओ देखो, ये हो गया ना ये सर्किल, ये कौन सा हो गया अपना C3 का डायमीटर. ठीक है, अब देखो, अब आपसे ये कह रहा है कि ये तो हो गया O3, ये हो गया O2, इसको मान लेते हैं O2. ठीक है, और ये हो गया अपना O1. अब आपसे क्या कह रहा है ये, अभी आपसे कह रहा है कि लेट द लाइन थ्रू X एंड Y इंटरसेक्ट C3. अच्छा, ये जो दो सर्किल एक दूसरे इंटरसेक्ट कर रहे थे वो कहाँ पे कर रहे थे, X और Y पे. तो ये पॉइंट मान लेते हैं X और इस पेंट को मैं मान लेता हूँ वाई, है ना, अंदर मान लेते हैं वाई. तो अब ये जो लाइन मिलेगी है ना, ये जो लाइन बनेगी अपनी, ये क्या बड़े वाला जो सर्कल है अपना सी थ्री उसको कहाँ कट कर रही है, जेड और डब्ल्यू पे, है ना, जेड एंड डब्ल्यू, एक्स और वाई जेड और डब्ल्यू पे कट कर रही है. ठीक है, एंड लेट अ कॉमन टेंजेंट ऑफ सी वन एंड सी टू बी अ टेंजेंट टू द पैराबोला एक्स स्क्वायर. चलो इसको अपन बाद में देखते हैं, पहले अपन इतना काम कर लेते हैं. ठीक है ना, अब देखो सबसे पहली बात क्या आ रही है इसमें, अननोन क्या है अपना, टू एच प्लस के की वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे. तो 2h प्लस k के लिए का मतलब क्या हो गया, अपने पास जो सर्कल है C3 उसका अपने को सेंटर निकालना है और रेडियस निकालना है. तो एक काम करते हैं, मैं सबसे पहले तो इसका जो सेंटर है h, k उसको यहाँ पे लिख देते हैं h, k. ठीक है, O2 क्या है अपने पास 3, 4 इसको भी लिख देते हैं 3, 4. ये क्या है अपना 0, 0 लेकिन रेडियस कितना है सर्कल का, इसका रेडियस है इसका 3. ठीक है, रेडियस हो गया सर्कल का 3 और बड़े वाले जो अपना C2 था उसका रेडियस कितना है 4. तो एक काम करते हैं, करना शुरू करते हैं. तो एक बात बताओ मेरे को आप, ये है पॉइंट M और ये है पॉइंट N जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, टच करता है ना दोनों सर्किल को अपना C3. चलो तो इसको हटा दूँ मैं, एक मिनट आ जाओ. सबसे पहली बात मैं आपसे पूछूँ, अपने को निकालना है इसमें क्या, रेडियस ऑफ C3. तो रेडियस ऑफ C3 के लिए अपन एक बात बताओ मेरे को आप, रेडियस ऑफ C3 कितना हो जाएगा. मैं यदि O3 O1 की लेंथ चाहिए मेरे को, है ना, क्योंकि इसमें O3 से लेकर M तक ये क्या है अपना रेडियस ऑफ C3. तो मेरे को ये मिल जाए O3 से O1 और ये मेरे पास है ही 3. तो एक काम करते हैं अपन, इसमें थोड़ा सा अलग से करेंगे क्या कि MN ले लेते हैं अपन इसमें, है ना, क्या ले लेते हैं MN. MN क्या है, डायमीटर ऑफ C3. तो ये क्या हो जाएगा, MN क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ C3 का डबल. ठीक है, अब बताओ यहाँ से रेडियस ऑफ, अच्छा इसका आर दिखा था ना, स्मॉल आर दिखा था ना, गिवन था अपने को स्मॉल आर. तो एक काम करते हैं ना अपन, स्मॉल आर ही ले लेते हैं. ठीक है, अब बताओ 2r इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक तो ये O1m प्लस
ओ वन ओ टू प्लस ओ टू एन, तो एक बार बताओ मेरे को ओ वन एन, ओ वन एम कितना हो गया थ्री, रेडियस ऑफ सी वन, रेडियस ऑफ सी टू कितना है मेरे पास फोर, अब बीच में कौन बच गया अपने पास ओ टू ओ वन, तो ओ टू ओ वन की लेंथ कितनी हो गई थ्री कॉमा फोर, इसका क्या है कोऑर्डिनेट, तो थ्री क्या होगी उसका बेस और वो क्या होगी हाइट फोर, तो कितना आ जाएगा फाइव आ जाएगा, तो कितना आ गया ये तीन और चार सात और पाँच बारह, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से सिक्स, ये आर की वैल्यू आ गई। अब आर की वैल्यू जो सिक्स आ गई है तो एक काम करते हैं अपन, रेडियस ऑफ कौन मिल गया मेरे को सी थ्री, अब रेडियस ऑफ सी थ्री मिल चुका है तो एक काम करते हैं अपन छोटा सा, बताओ क्या आर आर मिल गया ना, अब एच और के लिए चलते हैं ना, तो एक बार बताओ मेरे को ये एच कॉमा के है इसका सेंटर और रेडियस कितना है अपना, रेडियस कितना है अपना थ्री, सॉरी रेडियस आया अपना सिक्स, तो रेडियस यदि सिक्स है मेरे पास तो मैं ये कह सकता हूँ ओ थ्री से ये जो लेंथ है इसकी ओ तक, या एक काम करते हैं ओ थ्री से ओ एम, ये कितना आ गया अपना सिक्स आ गया, तो एक काम करो आप पहले तो ये जो लेंथ होगी इसकी ओ थ्री टू से ओ वन ये कितनी होगी बताओ, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो जाएगी, और एक काम और करूँ मैं, एक काम करते हैं अपन है ना, आर की वैल्यू अपने पास कितनी मिल गई सिक्स मिल गई ना, अब मेरे को चाहिए एच और के, तो एक काम करो आप एच और के लिए ऐसा करो ओ थ्री और अपने पास क्या है यहाँ पर एच, ठीक है एक काम करो बताओ क्या करोगे बताओ, एक काम करते हैं अपन है ना, या तो देखो अपने को निकालना है सेंटर एच कॉमा के, तो एक काम करा जाए सेंटर एच कॉमा के निकालने के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये बताओ मेरे को आप ओ थ्री एम, ओ थ्री एम कितना होगा सिक्स होगा, चलो लिखना शुरू करें ओ थ्री एम की लेंथ कितनी होगी सिक्स होगी, ठीक है अभी बताओ ओ थ्री एम की लेंथ है सिक्स, या फिर एक काम करें छोटा सा इक्वेशन ऑफ लाइन निकाले पहले इक्वेशन ऑफ दिस निकाल लेते ना ओ वन ओ थ्री, एक काम करो पहले इक्वेशन निकाल लो आप इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सी वैल्यू निकालने अपन ओ वन ओ थ्री, बोलो क्या हो जाएगी अपने को पॉइंट पता है फोर थ्री कॉमा फोर से पास हो रही है लाइन, स्लोप कितना आ जाएगा इसका स्लोप ओरिजिन से पास हो रही है तो सी सीधे आप लिख सकते हो क्या वाई इक्वल टू एम एक्स, एम कितना आ गया इसका फोर बाई थ्री एक्स, अब इसमें पॉइंट है अपना कौन सा सेंटर ऑफ ओ थ्री सी थ्री, तो वो लाई कर रहा है एच कॉमा के पास कर इसको सेटिस्फाई करा दें के इक्वल टू क्या हो गया फोर बाई थ्री एच, तो इसका मतलब क्या हो गया इसका जो सेंटर है ना सेंटर ऑफ ओ थ्री कितना आ गया सेंटर ओ थ्री क्या आ गया अपने पास सेंटर ओ थ्री थ्री कॉमा सेंटर सेंटर ऑफ ओ थ्री क्या आ गया थ्री कॉमा एच कॉमा के वैल्यू कितनी आई अपनी फोर बाई थ्री एच, तो कितना हो जाएगा फोर बाई थ्री एच, ये गया सेंटर ऑफ ओ थ्री आ गया, अब सेंटर ओ थ्री आ गया आपके पास अभी कहता हूँ मेरे को सेंटर ओ थ्री मिल गया, तो सेंटर ओ थ्री से ये डिस्टेंस ओ वन एम ओ वन ओ थ्री कितना हो जाएगा बताओ, एक काम कर सकते हैं अपन अभी मैं जो कह रहा था ओ थ्री एम कितना है सिक्स है, तो बताओ ओ थ्री एम को क्या मैं ये कह सकता हूँ ओ वन एम प्लस ओ वन ओ थ्री कह सकते हैं, अब ओ थ्री एम तो कितना है अपना सिक्स है और ओ वन एम कितना है अपना थ्री प्लस में ओ वन ओ थ्री कितना आ गया बताओ थ्री आ जाएगा यहाँ से, तो ओ वन ओ थ्री की वैल्यू आ गई कितनी थ्री, और ओ वन ओ थ्री यदि थ्री आ गया तो मैं एक काम करूँ छोटा सा बताओ क्या करेंगे, ओ वन ओ थ्री यदि थ्री आ गया तो ओ वन ओ थ्री की वैल्यू की हेल्प से क्या निकालना है अपन एच की वैल्यू, क्यों क्योंकि सेंटर ओ थ्री अपने को ओ थ्री के कोऑर्डिनेट पता है अपने को, तो ओ वन ओ थ्री की वैल्यू यहाँ से क्या निकालेंगे अपन एच की वैल्यू, तो एच की वैल्यू आप निकालोगे तो कितनी आ जाएगी निकाल दूँ मैं सीधे ये आ जाएगी एच स्क्वायर प्लस सिक्सटीन यानी कि फाइव एच अपॉन थ्री, ये आ जाएगा फाइव एच अपॉन थ्री है ना इक्वल टू थ्री, तो यहाँ से क्या आ गया एच इक्वल टू नाइन बाई फाइव, और एच इक्वल टू नाइन बाई फाइव आ गया तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है यानी कि के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ के की वैल्यू हो जाएगी नाइन बाई फाइव आई है ना, तो ये हो जाएगा थ्री फोर जाए ट्वेल्व ट्वेल्व बाई फाइव, तो के की वैल्यू आ गई ट्वेल्व बाई फाइव, अपने को क्या मिल गया सेंटर मिल गया, अब आराम से तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो तुम चेक कर लोगे, ठीक है अब आगे चलते हैं, अब मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है ना, आर की वैल्यू आ गई सिक्स, आ जाओ आर की वैल्यू आ चुकी है सिक्स एच कॉमा के,
जो सेंटर ऑफ सी थ्री है वो आ गया है आपका कितना आ गया 9/5 कॉमा 12/5। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर, सेंटर आ गया, ये आ गया। अब अगला जो ऑप्शन था वो क्या था अपना, लेंथ ऑफ जेड डब्ल्यू और लेंथ ऑफ एक्स वाई। तो एक काम करो इसके लिए, देखो आपको पता है कि ये एक्स वाई क्या है, कॉमन कॉर्ड ऑफ सी वन सी टू है, तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड है ना, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या हो जाएगी बताओ, कॉमन कॉर्ड क्या लिखोगे, एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो। तो क्या है सर्कल की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू नाइन, सॉरी हाँ नाइन, और उसकी क्या थी एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। तो इसमें से माइनस करोगे आप तो क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बचेगा अपने पास बोलो, उसमें क्या आएगा देखो, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर था ना, तो माइनस का सिक्स एक्स आएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का सिक्स एक्स, और प्लस का कितना आ जाएगा बोलो, माइनस का फोर वाई था, तो माइनस का फोर वाई का मतलब कितना, माइनस का सॉरी वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर, तो माइनस एट वाई आएगा, तो उसका प्लस एट वाई हो गया। और बोलो क्या था इक्वल टू में, क्या था आर स्क्वायर, सॉरी इक्वल टू में क्या था इसका रेडियस 16, तो ये हो जाएगा आपका 16 माइनस का 16, और यहाँ पे कितना है माइनस का 9, तो प्लस का 7 आ जाएगा, ये सही है ना, इक्वेशन लिख लेना आप आराम से ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, और एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। एस वन माइनस एस टू करोगे तो क्या आ जाएगा अपना इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा अपने पास, कर लोगे आराम से, तो निकाल दिया यहाँ से सही निकालना, चेक कर लो एक बार है ना, चेक कर लेना कैलकुलेशन, 6x प्लस 8y, और अच्छा कांस्टेंट भी आएगा, कांस्टेंट क्या आ जाएगा माइनस का, कांस्टेंट आ जाएगा आपका माइनस का 16, अच्छा वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ठीक है, तो ये कुल मिला के आपका आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है 9, 25 है ना ये, तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये आ गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 25, तो माइनस प्लस माइनस का 25 यानी कितना हो गया माइनस का 9 हो गया ना, ठीक है ना, ठीक है ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 18, तो माइनस का 18 कर दूँ मैं इसको सीधे, इसको करते हैं माइनस 18 अपन, ठीक है चलो इसको ओपन कर देते हैं, माइनस का 18 इक्वल टू 18 कर देते हैं, ठीक है चलो अब बताओ ये क्या आ गया आपका, इक्वेशन ऑफ जेड डब्ल्यू आ गया और एक्स वाई आ गया, ये कह सकते हैं अपन। अब देखो इक्वेशन आ गया ना आपके पास, अब एक काम करो, इसकी इक्वेशन आ गई लाइन की, अब ओ वन से है ना, ओ वन से क्या करो आप, डिस्टेंस फ्रॉम परपेंडिकुलर, डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो कहाँ से, ओ वन से इस जेड डब्ल्यू की, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी बताओ, अब इसको हटा दो आप नीचे वाले को, इसकी जरूरत नहीं है अपने को है ना, है ना, ये सारा अपने लिख ही लिया है, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है चलो आ जाओ, तो बताओ इसमें डिवाइड कर दूं मैं 2 से, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 9, ये क्या क्या इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्डक्ट, तो कॉमन कोड सॉरी है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या हो जाएगा लेंथ है ना, परपेंडिकुलर लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ ओ वन, इसको नाम दे देते हैं अपन, कुछ भी दो पी दे दो है ना, ओ वन पी, तो कितना हो जाएगा ये डिस्टेंस फॉर्मूले से, देखो सेंटर जीरो जीरो से देखना है अपने को, जीरो प्लस जीरो माइनस नाइन अपॉन में कितना जाएगा अंडर रूट ऑफ 25, तो कितना आ गया ये 9/5 आ गया, ये कौन सी डिस्टेंस आ गई ओ वन पी, अब देखो ये ओ वन पी कितना आ गया 9, और उसका रेडियस कितना है सर्कल का छोटे वाले का 3, तो उससे क्या आ जाएगा एक्स पर एक्स पी आ जाएगा, तो बताओ पी एक्स कितना आ गया अपना, एक्स वाई इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स पी है ना, सही है ना, एक्स वाई क्या होगा, एक्स वाई डबल होता है ना एक्स पी का, डबल होगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो वो क्या होगा मिड पॉइंट होगा पी एक्स वाई का, तो जो एक्स पी डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा इसका, ये कह सकते हैं, तो एक्स वाई डिस्टेंस इक्वल टू हो गया ट्वाइस ऑफ एक्स पी, और एक्स पी डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस ओ वन पी का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस ओ वन पी कितना आया अभी 9, तो ये हो जाएगा 81 अपॉन 25, ठीक है इसको निकाल लोगे तुम आराम से, ये निकाल लोगे, ये क्या गया तुम्हारा एक्स वाई आ गया सेम सेम विद दिस, किसके कर लोगे तुम पी जेड को कर लोगे, तो पी जेड कर लोगे तो उसके लिए क्या आ जाएगा पी जेड की लेंथ आ गई, आप पी जेड का डबल कर दोगे तो कितना आ जाएगा जेड डब्ल्यू, तो जो दूसरा वाला पार्ट है कौन सा वाला, एक तो एक्स पी वाला एक्स वाई वाला और जेड डब्ल्यू वाला, वो दोनों पार्ट हो जाएंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूँ यहाँ से है ना, हटा रहा हूँ इसको यहाँ से, देखो
समझ आ गई बात, ये कर लोगे। चलो अब देखो थोड़ा सा, अब आ जाओ आगे। अब देखो क्वेश्चन में और क्या कह रहा है आपसे, लेंथ ऑफ जेड डब्ल्यू हो गया, लेंथ ऑफ एक्स वाई हो गया, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एम जेड है ना। अब इस पर आ जाओ, आ जाओ, अब आ जाओ आप एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ जेड एन है ना। तो देखो क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्या है इसमें, देखो थर्ड पार्ट ये हो गया। अब देखो क्या करोगे आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल एम जेड एन, एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ जेड एन चाहिए, तो एक काम करो ना एम जेड एन, तो देखो कुछ नहीं करना आपको, एम जेड एन इसका एरिया चाहिए ना आपको। तो एक ये चीज़ देखो आप, ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है ये क्या हो गया इसका, ये एंगल तो 90 है, तो ये तो क्या हो गया बेस, और ये क्या हो जाएगी इसकी हाइट। तो क्या कर लोगे, हाफ ऑफ जेड डब्ल्यू अभी निकला था अपने जेड पी, तो हाफ ऑफ जेड डब्ल्यू निकल जाएगी, हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ लिख दूं मैं, एरिया ऑफ एम जेड एन, बोलो क्या हो जाएगा, हाफ एम एन इंटू जेड पी, ठीक है ना। तो एम एन आपको पता ही है डायमीटर सी थ्री का, और ये आपको पता ही है हाफ, जेड डब्ल्यू भी निकाल लोगे ना उससे अभी जो बताया था, तो जेड डब्ल्यू आ जाएगा और जेड पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ जेड डब्ल्यू, तो हाफ ऑफ जेड डब्ल्यू, ये तो ये हो गया। और एम एन क्या था, टू आर था 12, ये तो कर ही लोगे आप, इंटू हाफ ये भी निकल आया। अब सेम क्या करना है आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके साथ बताओ, एम जेड एन आ गया, और क्या कह रहा था एम जेड एन के अलावा, एम जेड एन पूछ रहा है एक तो वो, और क्या पूछ रहा है आपसे, एम जेड एन के अलावा और क्या पूछ रहा है, एम जेड डब्ल्यू है ना, क्या पूछ रहा है एम जेड डब्ल्यू, तो एम जेड डब्ल्यू पूछ रहा है, तो एक काम करो एम जेड डब्ल्यू, एम जेड डब्ल्यू इसके लिए वही हो जाएगा सेम, हाफ ये बेस हो जाएगा कौन जेड डब्ल्यू, और हाइट क्या हो जाएगी इस बारी एम पी, ये भी निकाल लोगे। तो कुल मिला के अपने को क्या मिल जाएगा, एम जेड एन मिल गया और एम जेड डब्ल्यू मिल गया, एरिया निकाल लोगे। तो कंपेयर कर लोगे इसको, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है लेंथ दिए, क्वेश्चन क्या है लेंथ दिए, बाकी आपको मैं बता दिया क्या करना है आपको, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसको आप निकाल लोगे आराम से, और लास्ट वाला जो पार्ट है कौन सा वाला, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट वाला, उसमें भी क्या करना है, तो मैं इक्वेशन कॉमन टेंजेंट निकाल लोगे, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस याद आ गया, ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, और कौन सा वाला अपना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करके देखें आप लोग, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसके दो पार्ट हैं, दो क्वेश्चन है ना, तो एक में इनकरेक्ट है और एक में करेक्ट है ना, एक में तो क्या पूछ रहा है करेक्ट कॉम्बिनेशन और एक में इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, है ना, दोनों एक साथ ही हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन, 11th हो गया, 12th क्या कह रहा है, लेट द पॉइंट बी बी द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट ए 2,3 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन 8x माइनस 6y माइनस 23 इक्वल टू जीरो, लेट टी ए एंड टी बी बी द सर्किल, है ना, टी टाओ है ना, ये किसका साइन है, टाओ का साइन है वैसे तो, लेकिन समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो अभी क्या कह रहा है, लेट बी विद द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट ए 2,3 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन दिस, तो देखो कुछ नहीं करना आपको, एक लाइन दे रखी है, क्या है ये 8x माइनस 6y माइनस 23 इक्वल टू जीरो, और एक पॉइंट दे रखा है 2,3, और ये पॉइंट क्या है ए, इसका रिफ्लेक्शन अबाउट दिस लाइन क्या हो जाएगा, निकाल लोगे x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई थ्री वाई वन अपॉन में ए अपॉन में क्या आएगा बी इक्वल टू माइनस टू टाइम्स ऑफ, क्या हो जाता है पॉइंट को पुट कर दो सेट लाइन में, तो क्या हो जाएगा 2 8 16 6 18 माइनस 23 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना जाएगा 100। यहाँ से क्या करो आप x और y निकाल लो, तो ये पॉइंट क्या मिल जाएगा आपको, b मिल जाएगा, और जब ये b पॉइंट मिल जाएगा कर दूँ मैं कितना जाएगा, ये देखो 25 50 2 4 4 और 2 6, x के लिए तो 6 आ रही है, y के लिए क्या जाएगी वहाँ पे कितना 2 बचा था ना 3 से कट गया तो 0 आ गया, तो ये आ गया 6,0, ये पॉइंट क्या आ गया 6,0, तो b पॉइंट मिल जाएगा आपको। अब b पॉइंट मिल गया तो क्या कह रहा है देखो आपसे, कि a और b पॉइंट को लेके ना दो सर्कल ड्रॉ कर दिए, एक की रेडियाई 2 और एक की रेडियाई 3 1, है ना, तो इसको तो हटा देते हैं अपन, है ना, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, अपने को पॉइंट बी मिल गया है ना, अपने को पॉइंट बी मिल चुका है या पॉइंट ए मिल चुका है, तो देखो एक का सर्कल का रेडियस है 2 और एक का है 3, ठीक है ना, तो 2 किसका है ये देख लो आप एक बार, ए वाले का 2 है और ए पॉइंट क्या देखा था अपने को 2,3, तो इसका तो रेडियस है 2 और इसका रेडियस है 1 6,0। अब ये कह रहा है कि
इनकी ना कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की, और कॉमन टेंजेंट ड्रॉ होने के बाद है ना वो जो सेंटर को मिलाने वाली लाइन है उसको कट कर रही है कहाँ पर, टी पर। कहाँ पर कट कर रहा है, टी, टी ए सी है। एक मिनट, टी बी द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल, टी ए टाओ ए एंड टाओ बी सजेट द, सी इज द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये सी है। ये क्या है आपका सी, और ये पॉइंट क्या है आपका ए, और ये पॉइंट है आपका बी। ठीक है, क्लियर है बात। अब आपसे कह रहा है देखो लास्ट में, देन द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी, तो ए सी आपको लेंथ, लाइन सेगमेंट ए सी की लेंथ निकालनी है ए से लेकर सी तक। तो क्वेश्चन आसान है ना, क्वेश्चन टफ नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ना। तो करना क्या है अपने को, देखो इसको नाम डाल देते हैं अपन पी, और उसको नाम देते हैं क्यू। ठीक है, तो आप देखो छोटी सी जो बेसिक थ्योरम है अपनी वो लगा लो इसमें, है ना। आपको पता है ट्रायंगल सी ए पी और ट्रायंगल सी बी क्यू दोनों क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो आप क्या कर लो, आर वन अपॉन आर टू, है ना, आर वन अपॉन आर टू इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, सी बी अपॉन सी ए, सही है। अब आर वन अपॉन आर टू कितना हो जाएगा, वन अपॉन टू, और सी बी कितना हो गया आपका बोलो, सी बी कितना हो जाएगा, सी बी को आप लिख लो, एक काम करो सी ए माइनस ए बी, ठीक है, अपॉन में क्या जाएगा सी ए। अब देखो सी आपको फाइंड करना है, ए बी कितना होगा बोलो, ए बी डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स 6.0 एंड 2.3, ये भी आप निकाल लोगे कितना आ जाएगा, देखो 16 और 9 25 5 आ गया ये, है ना, ये कितना आ गया 5, ये 5 आ गया, तो यहाँ 5 रख देना और सी आपको कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट 10 आ जाएगी, है ना, सी ए की लेंथ। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्किल दिस वन वेयर आर इज ग्रेटर देन रूट 5/2, सपोज पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ दिस सर्किल एंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पी एंड क्यू इज दिस। ठीक है, अब ये कह रहा है आपसे, इफ द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्किल ऑफ द ट्रायंगल ओ पी क्यू लाइज ऑन द लाइन दिस वन, देन द वैल्यू ऑफ आर। तो एक काम करो, पहले तो सर्किल बना लो जिसका रेडियस क्या है आर, और सेंटर क्या है 0 0, ये हो गया, है ना। अब आपसे कह रहा है कि जो इसका रेडियस है ना वो रूट 5/2 से ज्यादा है, और सपोज पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्किल इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू पी एंड क्यू इज दिस। अच्छा, पी क्यू क्या है, इसकी कॉर्ड है सर्किल की, और इससे जो पास हो रही है लाइन उसकी इक्वेशन दे रखी है अपने को 2x + 4y = 5। ठीक है, और ये क्या होगी, पी क्यू कॉर्ड होगी सर्किल की, पी क्यू इसी की इक्वेशन हो गई है, है ना, कॉर्ड की इक्वेशन हो गई है। इफ द सेंटर ऑफ द सर्किल पासिंग सर्किल ऑफ द ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू सर्कम सर्किल बनेगा ना, मान लो ये बन रहा है ऐसे। ठीक है, इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है, इसके लिए क्या कह रहा है ये, सर्कल ऑफ द ट्रायंगल ओ पी क्यू लाइज ऑन द लाइन दिस वन। इसका जो सेंटर लाई कर रहा है वो किस पे लाई कर रहा है, x + 2y = 4। अब देखो आप, ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के, ठीक है ना, ये दो लाइन्स क्या हैं, पैरेलल। तो ये लाइन क्या मान ली मैंने, यहाँ पे मान ली, कौन सी वाली, x + y = 4। अब आपको कुछ नहीं करना, आसान है क्वेश्चन, आपसे पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ आर, रेडियस कितना होगा आर, है ना। तो एक काम करो आप, इसको पहले, ये दो लाइन्स पैरेलल हैं, तो लाइन इसके परपेंडिकुलर, जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मान लो किस पर, कॉर्ड पर, तो वो परपेंडिकुलर क्या होगा, इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा, सीधी सी बात है। तो आप मेरे को बताओ, ओरिजिन से इस लाइन पर और इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे आप आराम से, कितना आ जाएगा बोलो, 0 0, और माइनस का 5 अपॉन में कितना आ जाएगा, इसको नाम दे दें कुछ, इसको नाम देते हैं एम और ये एन। चलो कर लेते हैं इसको, है ना, पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ओ एम, ओ एम डिस्टेंस कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ, इसमें पुट कर दो आप, तो कितना आ जाएगा, 0 + 0 - 5 अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 × 16, और ये कितना आ गया 20, रूट 20 आ जाएगा। ये डिस्टेंस कितना आ गया बोलो, ये आ गया मेरे ख्याल से रूट 5/2, और ओ एम के बाद निकाल लो ओ एन, ओ एन कितना आ जाएगा बोलो, 0 + 0 - 4 अपॉन में रूट 2, ये आ गया डिस्टेंस ओ एन, और ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 2√2, सही है ना, ये कितना आ गया 2√2, ये डिस्टेंस ये वाला आ गया ओ एन। अब देखो ओ एन पता चल गया, ओ एम पता चल गया आपको, तो ओ एम में से, ओ एन में से ओ एम माइनस कर दूँ तो एम एन आ जाएगा। और आप सोचो, आप सोचो, ये जो सेंटर है इसका किसका, सर्किल का, किस वाले का सर्किल का, दूसरे वाले सर्किल का, ठीक है ना। अपने को निकालना है इसमें क्या चीज़, अपने को निकालना है इसमें आर। तो एक काम करो आप, एक काम करो छोटा सा, मेरे को ये डिस्टेंस निकालना है देखो आर, ठीक है ना, ये आर निकालना है, और आपको ये भी मिल गया, आपको डिस्टेंस चाहिए अपने को ये वाला, है ना, ये डिस्टेंस चाहिए आपको। तो एक काम करो आप, एक काम करो, एक काम ये कर लो आप, कि आपको ओ एन पता है, ओ एन का मतलब आपको ये डिस्टेंस पता चल गया, ठीक है, कौन सा पता चल गया, एन क्यू।
तो ओ एन, ओ एन इक्वल होगा किसके, एन क्यू के। और दूसरी बात, एन एम भी आपको पता चल गया, तो आप बताओ कर सकते हो नहीं कर सकते हो आराम से, देखो एन एम इक्वल होगा नहीं होगा अंडर रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से एन क्यू का स्क्वायर माइनस एन एम का स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या आ गया आपके पास, एक मिनट, ये मैंने एन एम लिखा है ना, ये एन एम नहीं लिखना है अपने को, क्या लिखना है बोलो, एम क्यू, एम क्यू लिखना था ना, एम क्यू, एक मिनट, एम क्यू, ठीक है, एम क्यू, ठीक है ना। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, नॉर्मल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ना। देखो एम क्यू का डिस्टेंस चाहिए अपने को, तो क्या करा मैंने, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दी ना इसमें, एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, एम क्यू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन क्यू का स्क्वायर माइनस एन एम का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, एम क्यू आ जाएगा, और एम क्यू आ गया तो इसमें पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के क्या कर लोगे आप, आर कैलकुलेट कर लोगे। ये तरीका था इसका, है ना। तो आपके यही लास्ट क्वेश्चन था इसका, ठीक है ना। तो ये आपका डिस्कशन था पॉइंट स्ट्रेट लाइन और सर्किल का, इसको अच्छे से कर लें, जो एक दो क्वेश्चन है उनको आप अच्छे से एक बार पूरा कर लें, कंप्लीट कर लें उसको, है ना, ठीक है। थैंक यू।